शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे हम काय को नहाने लगे, जो लेकर आई है वही तो नहाएगी ना। ऐसा दूध आएगी तो ऐसे ही बहाऊंगा। तेरे लिए ऐसा दूध लाऊंगी, मुझे सता रहे उसका कुछ नहीं। देख अपनी बात, तूने दूध में पानी मिला ना तो पानी में बहा दूंगा। जिस गांव से बह कर आई है ना उसी गांव तक पहुंचा दूंगा तुझे। हाँ। जा, जा, तू मुझे क्या पहुंचाएगा? देखती हूँ कौन किसको कहाँ पहुंचाता है। चलो चलिए। आ जा, जा। बाप का माल समझ के खा जा, बस छोड़ने का नहीं है क्या? समझ गए ना? शंभू भैया तुम लाओ और वहाँ दीदी लेना, तुम्हारे खेत में सारे डोर डंगर घुसा दिए, पूरा खेत चल गए। खेत चल गए? हाँ। अच्छा तू चल मेरे साथ। मैं नहीं आता हूँ। अरे 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 किस जानवर ने अपनी औलाद हमारे खेत में छोड़ दी है? अरे हमारे खेतों की ऐसी की तैसी कर रहे हो, तुम लोगों को अभी मार मार के शमशान घाट में पहुँचा दिया। अरे अरे तुम लोगों को भी अभी मार मार के यहाँ से मैंने कांजी हाउस में पहुँचा दिया तो बोलना। अरे जा, तू क्या कांजी हाउस बंद कराएगा? अच्छा तो तू है। अरे ठहर जा, अगर तेरे गले में भी मैंने बैल की घंटी बांध कर पूरे गांव में ना घुमाया तो मेरा नाम भी शंभू नहीं हराम खोर। या मैं तेरी तो कहाँ बच कर जाओगी, तेरा मैं खून पी जाऊंगा। अरे बेशरम तू बाहर निकल, देख हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ ओ बड़ी बहू दूध ले लो, ये मेरी बहन है, इसके गांव में बाढ़ आई थी ना, ये बच के चली आई, आज से यही दूध देगी। क्या नाम है? चेदी। अरे तेरा नहीं इसका, मैं तुलसी हूँ। अच्छा इतवरिया ध्यान समझ ले, ए दूध का बोतल लिया। बड़ी बहू हम जात हैं। अरे कुछ खाए कर तो जा, जल्दी से रोटी सेक दिखा। नहीं रोटी की जरूरत नहीं, आज हम दूध से ही गुजारा कर लेंगे। अरे ये क्या है? दूध है। अरे ये दूध है या चूने का पानी है? कल गैया घास के बदले में पानी पी गई, दूध के बदले में पानी आ गए तो मैं क्या करूँ? मगर ये पीने के लिए है या नहाने के लिए? तेरा जी चाहे नहा ले, मैं तुझे रोकती थोड़ी हूँ। अरे हम काय को नहाने लगे, जो लेकर आई है वही तो नहाएगी ना। ऐसा दूध आएगी तो ऐसे ही बहाऊंगा। लाऊंगी तेरे लिए ऐसा दूध लाऊंगी, कल से मुझे सता रहे उसका कुछ नहीं। देख अपनी बात, तूने दूध में पानी मिला ना तो पानी में बहा दूंगा, जिस गांव से बह कर आई है ना उसी गांव तक पहुंचा दूंगा तुझे। हाँ। जा, जा, तू मुझे क्या पहुंचाएगा? देखती हूँ कौन किसको कहाँ पहुंचाता है। चलो चलिए। आ जा, जा। बाप का माल समझ के खा जा, बस छोड़ने का नहीं है क्या? शंभू भैया तुम लाओ और वहाँ दीदी लेना, तुम्हारे खेत में सारे डोर डंगर घुसा दिए, पूरा खेत चल गए। खेत चल गए? हाँ। अच्छा तू चल मेरे साथ। मैं नहीं आता हूँ। अरे 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 किस जानवर ने अपनी औलाद हमारे खेत में छोड़ दी है? अरे हमारे खेतों की ऐसी की तैसी कर रहे हो, तुम लोगों को अभी मार मार के शमशान घाट में पहुँचा दिया। अरे अरे तुम लोगों को भी अभी मार मार के यहाँ से मैंने कांजी हाउस में पहुँचा दिया तो बोलना। अरे जा, तू क्या कांजी हाउस बंद कराएगा? अच्छा तो तू है। अरे ठहर जा, अगर तेरे गले में भी मैंने बैल की घंटी बांध कर पूरे गांव में ना घुमाया तो मेरा नाम भी शंभू नहीं हराम खोर। या मैं तेरी तो कहाँ बच कर जाओगी, तेरा मैं खून पी जाऊंगा। अरे बेशरम तू बाहर निकल, देख हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ तुलसी, अरे डूब गई का? हाँ तेरी मौत पानी में ही लिखी थी, बाढ़ से बच के आई ना, पानी में ही डूब गई, मर गई ना। हे तुलसी, तुलसी हाँ?
हाँ? ए, तू गई मर गई का? ए जगन, 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 जगन उठ, उठ। अबे साले फिर आ गया, बोल क्या बात है? बहुत बड़ा नर्थ हो गया है। हाँ, थानेदार को बुलाओ, रपट लिखवाओ। हाँ, अरे हमका फांसी पर चढ़ा दो, हमारे हाथ से खून हो गया। अरे संकट के वक्त दोस्त को छोड़कर जा रहा का? हमारे हाथ से तुलसी का खून हो गया। क्या बकता है? बकता नहीं, वो रोज दूध में पानी मिलाती थी ना, आज हमने उसको हमेशा के लिए पानी में मिला दिया। अरे तू क्या तुलसी को पानी में मिलाएगा? अरे भूत होगी तेरी नानी, तुझे पानी पिला पिला के भोंपूना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी तुलसी नहीं है। हाँ अबे छोट जगन, ये तो जिंदा है, जिंदा है तुलसी। अबे गिर जाता है सारे, चल अपने घर चल। चिट्ठी जगन को पहुंचाए थे। अच्छा भैया, और सुन, जवाब लेके आना। जवाब? अबे तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा? तुम बैठने को नहीं बोलोगे तो खड़ा नहीं रहूंगा तो क्या करूंगा? अबे आज पाँव तोड़ के बैठा दूंगा, चल फुट 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 फुट। मालिक ने चिट्ठी का जवाब मांगा है। तेरे मालिक की ऐसी की तैसी, सारे चोर चक्के, एक भाई इलाज देता है तो दूसरा मांगता है, चल फुटा। मालिक ने जवाब मांगा है। क्या क्या बोल रहे अपने मालिक को? कोई जवाब आप नहीं है मेरे पास, ऐसा ही बोल दो। अबे जाता है कि नहीं पागल हो गया है तू जगत? किशन भैया को तूने इतना भला बुरा बोल दिया, तो और क्या करता है? समय पड़ने पर वही काम आते हैं, अगर उसने जाकर उनको बोल दिया तो हम भूखे मरेंगे, रहने का ठिकाना भी नहीं रहेगा। हाँ बेटा, तू उनका नौकर है, उससे जाकर समझा उसे। हरिया हरिया, ओ बनवारी रे, बनवारी रे, नजरिया तो से लागी, ओ बनवारी रे। हरिया, अबे हरिया, तुम तो, अरे बापे, ये तो मारेगा। मार ले बेटा हरिया। रुक 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 रुक, अरे हरिया, अरे रुक 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 काम करेगा नाटक में? करूंगा, तुझे मैं बहुत अच्छा रोल दूंगा इसमें। अच्छा सुन, जो बात अभी अभी हुई ना किशन भैया के बारे में, वो तो तुमने गाली दी है, वो बात हम दोनों में ही रहे, उनके कानों का खबर ना पहुंचे। बोलोगा नहीं? नहीं, नहीं बोलेगा ना? शाबाश शाबाश। ए शंभू, शंभू, ए शंभू के बच्चे, शंभू। कहाँ रे? ए शंभू। अरे कहाँ है? ए शंभू के बच्चे, कहाँ है? आदमी की कितनी जबान होती है रे? अरे एक होती है, क्यों? फिर ये क्या है, इसका क्या मतलब है रे? अरे काहे को लाल पीला हो रहा, आखिर बात क्या है? देख, तूने जो मुझे धान का बीज दिया था, अब वही धान का बीज तेरा भाई किसे मुझसे मांग रहा है? मैं पूछता हूँ, जिस चीज में तेरा अधिकार नहीं उसकी साहूकारी क्यों जताता है? अरे ठीक है, गरम होने की क्या बात है, अरे हम बड़ी बहू से कह के सब ठीक करवा देंगे। तू हंसता क्यों? अरे बड़ी बहू तेरा ख्याल नहीं रखेगी तो और किसका ख्याल रखेगी रे? अरे हट, अरे कमीने, गंदे तू हटा क्यों? हट क्यों हटाती? क्यों नहीं गए? अरे जा, बड़ी बहू बीच में आ गई, आइंदा तू हंसा ना तो हम जान से मार डालेंगे, समझा? तेरी तो शंभू, चल यहाँ से, जब देखो तब गंदा फुसफुस करता रहता है,
यार ये कितना मार खाया? सारी दुनिया का हंसना रोना सब तेरी मर्जी पर है का? नहीं बड़ी बहू, इसकी हंसी में खोट था। अरे साले को गंगा जल और नाली के पानी में फर्क ही नजर नहीं आता। खाना खाने? अरे क्या खाना था? खाना पीना तो हराम कर दिया किशन भैया ने। क्या किया है उन्होंने? अरे हम ये पूछत है कि हमारे भी तो अधिकार है ना घर में। हाँ हाँ जरूर है। तो फिर हम जगन को जो दान दिया किशन भैया लिख के वापस काहे के लिए मंगवा लिया? हमारी इंसल्ट हो गई ना। ठीक है हम उनको समझा देंगे। देख देख पटाखा भैया तू पर लग रही है। माल तो अच्छा है यार। अरे चाल देख उसकी। ये तुम लोग मेरी दुकान पे क्या गोल माल कर रहे हो भैया? चल पुट पुट चल रही साले। क्यों नहीं खेरी? हाँ जी ठीक है ना। पलाट क्यों रे क्या किया तूने? सीटी मारी। अच्छा कैसे? ऐसे। अरे ये तूफान में ला रहा है आ गया। जरा फिर से मारना तो। पियो रानी पियो। अरे दुनिया भगवान। अरे वाह मेरा अंडा। कैसा अंडा? सीटी ऐसे बजाई जाती? अरे वाह तू तो बहुत बहादुर है रे। अभी आया। मार मार और मार गेंडे को। अबा बजा सी। अब आ जा। अबे उठ। अबे उठ। बाप अरे रुक के इधर आओ। देखो अरे भागिया। बड़े आए छेड़ने वाले साले एक एक चटनी बना के रख दूंगी मैं। अरे साबास तुलसी साबास तू तो बिल्कुल वाइफ लगती। क्या
क्या लगती हो? अरे अंग्रेजी में छुरी को वाइफ कहते हैं ना, छुरी की धार तू है। अच्छा। क्या मारा सालों को पकड़ के। अरे तू तो बेकार बीच में आ गया, नहीं तो मैं अकेले ही सालों की मरम्मत कर रही थी। साले खूबसूरत लड़की को देख करके पीछे ही पड़ जाते हैं, और फिर मैं हूँ भी तो खूबसूरत। कमाल है, एक तो मदद करो और ऊपर से एहसान भी नहीं माना था, बेशरम। हम जाते हैं। अरे तू जाना, दो चार हाथ ही घुमाए हैं, कोई कमाल नहीं कर दिया है। हाँ ओए ओए माँ, क्या हुआ? मेरे पाँव नहीं चल रहे हैं। अभी पाँव ना ही चल रहा, थोड़ी देर पहले जबान बहुत चल रही थी। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? चल भाई ट्रैक्टर पर छोड़ आते हैं घर। मैं क्या करूं? छेदी ये बाकी का दूध पहुंचा देना रे। हाँ ओए माँ, चल जल्दी कर। ये तो कुछ भी नहीं थे, अपने गांव में तो मैंने 30 बदमाशों को अकेले मारा। वो क्या हुआ कि भागते भागते कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए गिन नहीं पाई। 30 नहीं तो 20 तो जरूर होंगे। ताले सबने हरे पीले कपड़े पहने थे, सरसों के खेत में भाग रहे थे, कभी कम नजर आ रहे थे कभी ज्यादा नजर आ रहे थे, इसलिए गिन नहीं पाई। पायलट के जब मैंने गिना तो पूरे 10 थे। देखो भाई अब तो मैंने गिन भी लिया, 10 से कम नहीं हो सकते। जाओ कौन है? मरघट के मुर्दे, हमको अंधा समझता है का? जानता नहीं औरतों का नहाने का घाट है? क्या कर रहा था इधर? मैं अपनी भैंस ढूंढ रहा था। भैंस ढूंढ रहा था? तेरी भैंस के इस घाट के आसपास घूमती रहती है। खबरदार, दोबारा अगर इस घाट पर देखा तो सीधे मरघट पहुंचा दूंगी। मरघट के मुर्दे, शैतान बदमाश। देखो एक बात हम साथ साथ कह देते हैं, कल की मुलाकात के बाद हम पूरी रात ना ही सो सके। हमारे दिल में गुदगुदी होती रही और दिल एक ही बात की रट लगाता रहा कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक बात साफ साफ बताई दो कि तुम भी उतना ही प्यार करती हो ना। ये घोड़े से क्या बात कर रहे थे शंभू? अरे वो तो हम अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या? नहीं नहीं वो क्या है, दरअसल हम अपने दिल की बात सुना रहे थे। अरे दिल की बात तू क्या सुनाएगा, दिल की बात तो मैं सुनाने आई हूँ। अच्छा, कल रात मैंने एक सपना देखा। सपना? सपने में तुझे देखा। क्या देखा? कि तू बारात लेकर मुझे बिहाने आ रहा है। दस तेरी की बेशरम। अरे शादी ब्याह की बात कोई लड़की करती है? शादी ब्याह की बात हम पर छोड़ो। अच्छा अच्छा तो तू ही बता क्या करना है। अरे ये कुछ जगह है बताने की? अरे नदी का किनारा हो, एक पेड़ हो, हम हो, तुम हो, दूसरा कोई ना हो, वही तो बताएंगे ना दिल की बात। ठीक है ठीक है, चलो चल बैठ, अब तो यहाँ कोई भी नहीं है, बोल। देख हम है ना। हाँ। अरे तू तो ऐसी बात कर रही जैसे कुछ जानती नहीं है। हम कुछ नहीं जानते। तो ठीक है फिर हम बोल देते हैं। देख हम है ना, हम है ना, हम है ना, तुझसे प्यार करता है ना, साथ तेरी की। अरे ये बात तो हम कब बोलनी चाहिए, वो तो जल्दी बोलना। हम तुझसे प्यार करते हैं। सच्ची? ये तू भी कुछ बोलना। मैं भी कुछ बोलू? हाँ? मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। कितना? नदी के इस कोने से लेकर के उस कोने तक। तो बस जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बस उसके बाद शादी होगी, शादी के बाद बच्चे होंगे। लेकिन पहले लड़का होगा। पहले लड़की होगी। लड़का? नहीं पहले लड़की होगी। पहले लड़का? पहले लड़की होगी। हम कहते हैं दोनों होंगे। हाँ दोनों होंगे। अभी अभी तक तो हमारी शादी भी ना ही है। पहले शादी तो हो जाने दो, बच्चे भी हो जाएंगे। क्या बात है चाची? अरे क्या बताए बहू, वही रोज रोज का रोना। अरे दोनों बहुएं रोज रोज झगड़ा करत रहते हैं, दोनों देवरों ने तय कर लिया है कि वो अलग हो जाएंगे। अब तुम ही बताओ इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएं? तो तुम लोगों ने क्या सोचा है?
अरे हम क्या सोचेंगे बहू, हम तो ये कहत है कि ससुर की जमीन में चारों भाइयों का बराबर हिस्सा होता है, हमारा हिस्सा हमें दे दे, फिर चाहे दोनों भाई अलग हो जाए। हाँ, और का चाची, जब दोनों देवर अलग हो ही रहे हैं तो होने दो, तुम दोनों एक एक देवर के साथ रह जाओ, इस बुढ़ापे में जमीन लेके क्या करोगी। हेलो, अरे बहू इज्जत की रोटी तो मिलेगी, जोर की गालियां से तो बचेंगे। हाँ, अरे हाँ। वो अरे हट, बीच में बैठी है। अरे जुग जुग जियो बिटवा, पंचायत में जाने से पहले हम तोरे पास एक फरियाद लाए। दान बार भला करे, हमारे देवरों का झगड़ा तो तुमको मालूम ही है। वो तो है ही, क्या चाहिए तुम्हें। अरे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं बंटवारे में जमीन का थोड़ा टुकड़ा हमें मिल जाए। जमीन मिल भी जाए तो संभाल सकोगी। अरे बिटवा, सिर पर पड़त है तो करना ही पड़त है, जमीन मिल जाए फिर हम बेच डाले या संभाले। क्यों? अच्छा, हम पंचों से कह के जमीन दिलवा देंगे। तोरे आंगन एक नन्ना मुन्ना खेले, चल बहना काम तो ये कर ही लेंगे, बड़े अच्छे आदमी है, काफी समझदार भी है। क्यों जी,